Assalamu alaikum viewers, welcome back to channel. Good morning from अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अच्छे से ट्रैवल के लिए और मैं जा रहा हूँ जम्मू आए करने के लिए. आप सब दोस्तों के साथ रहिएगा. वेट कर रहे हैं जिस कंपनी में करवाई हुई है उसके वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो आएगा यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे जंगलो डाइनिंग टूर पे. हाँ तो व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी हम निकल पड़े हैं अपने होटल से, पहुंच चुके थे यहाँ पे पतंग बीच जाने के पॉकेट में जो घूमने की जगह हैं जेम्सबॉन्ड आइलैंड का टूर लिया और अभी हम निकल पड़े हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ सारा ही तकरीबन ग्रुप मौजूद है और जो मेरे साथी हैं वो दोनों ही आगे जा रहे हैं. इस वक्त उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए. तो चलें अभी चलते हैं. हमें जो हमारे गाइड हैं वो लेके जा रहे हैं बोट की तरफ और बोट पे चल के इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ मज़ीद बातचीत करेंगे. अभी मैं निकला हूँ. अब ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बोट की तरफ हम जा रहे हैं वो कैसा रास्ता है. लोग जोक दर जोक अपने बोट की तरफ जा रहे हैं. चल भैया अब अपने बोट तैयार हो गई है और अब हम तीनों साथी बोट पे चल रहे हैं. यस तो अब आगे आपको सैर करवाएंगे जेम्सबॉन्ड आइलैंड और बाकी चीज़ों की. ये वही बोट है यार. तो व्यूअर वेलकम बैक टू चैनल. अभी हम बोट पे बैठ गए हैं और यहाँ पे हमें जो है बोट पे इन्होंने सबको लाइफ जैकेट दी हैं. आप देख सकते हैं इस वक्त का इस वक्त काफ़ी रश है बोट पे और ये अब बोट जो है जेम्सबॉन्ड आइलैंड की सैर पे निकलने वाली है. Just me. My name is Bao. कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे हैं? हाय बेटा कैसे हैं? ठीक है. हाँ तो व्यूअर्स अभी हमारा सफ़र शुरू होने वाला है. बिल्कुल बोट ने स्टार्ट ले लिया है और जो हमारे गाइड हैं वो अब गाइड कर रहे हैं लोगों को. तो ये आप देख सकते हैं कि बोट में इस वक्त काफ़ी लोगों की ज़्यादा तादाद है. अच्छा खासा रश है. जैसे मैंने सुना था कि पॉकेट में काफ़ी पॉकेट पैक हुआ हुआ है और इसी तरह बिल्कुल काफ़ी रश है. तो इसी तरह साथ चलते रहेंगे और मुख्तलिफ जगह जो हम देखते रहेंगे. कैसी है आप? ठीक है? कुछ बताएंगी? क्या मज़ा आ रहा है आपको? ये जी हमारे साथ इंडिया से हैं, एक फैमिली है. क्या नाम है बेटा आपका? दत्ता.
और रोहिदा दत्ता। वाह माशाल्लाह, देखिए ये बैठी हुई है और बिल्कुल एक डेंजर स्पॉट पे कैसे दिलेरी से बैठी हुई है। बिल्कुल आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ बैठी हुई है? हाँ, तो व्यूअर्स अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर अगेन दिखाता हूँ। ये आप देखिए, इस वक्त जो हम गुजर रहे हैं एक आइलैंड के करीब से, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा क्लोजअप शॉट लेते हैं इसका, आप देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हरियाली देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। चूँकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, इस वजह से यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। वीडियो को एंजॉय करते रहिए, मज़ीद आपको और अच्छी चीज़ें और अच्छी जगह आपको दिखाते रहेंगे। ये टूर मेरा जो थाईलैंड टूर है ये तकरीबन 23 तक चलेगा, तो इसमें मुख्तलिफ आपको स्पॉट, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ लैंडस्केप दिखाते रहेंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और इंजॉय कीजिए वीडियो को। हमें गिरा चुके हैं आईफोन 11। Near the sea, around go to Krabi. We go to Satut, Pattaniyala, Malaysia, Indonesia, to the right hand side. Okay, south of Thailand. Okay, south of Thailand, Pattaniyala, Nara, north of Thailand, Chiang Mai, Chiang Rai. हाँ व्यूअर्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का व्लॉग? मेरा ख्याल है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, और इस पे अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे फिर मैं आपको मज़ीद जो है दिखाऊँगा इसके व्यूज़, और वहाँ पर जो मार्केट है छोटी सी बनी हुई सिविनर्स वगैरह से वहाँ से ख़रीद सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो साथ रहिएगा, बने रहिएगा, वीडियो तो एंड तक देखिएगा। हाँ तो व्यूअर्स, ये सामने आपको नज़र आ रहा है जेम्स बॉन्ड आइलैंड का खूबसूरत व्यू, आप देख सकते हैं। सर अभी बड़ी बोट से एक नीचे एक छोटी वाली बोट पे शिफ्ट किया गया है, आप ये देख सकते हैं छोटी बोट का। इस पर हम दो बोटों में गए, एक बोट आगे चली गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए तो हम इस बोट पे आगे बैठ गए, और अब हम इस बोट के थ्रू छोटी बोट के थ्रू बड़ी बोट से छोटी बोट पे आ रहे हैं, और यहाँ से आने के बाद अब हम जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड की तरफ इस छोटी बोट पे। तो हमारे गाइड ने बताया कि 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं आप स्टोन पे। ओके ओके, वी आर आल्सो हियर फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, नॉट नॉट फॉर शॉपिंग। Slowly, one by one, please. Two by two. चले व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा वीडियो बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लिपी है, हो सकता है हमारे गिरने का खतरा हो। हाँ तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड, और इसके अलावा आप ये यहाँ पे तो कुछ सिविनर्स शॉप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की जो मैं आपको दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, आप सब वेलकम। One more, I give you very cheap. 1 minute, okay? Okay, no, I don't have much time. Only 40 Hello. minutes. तो जी ये सिविनियर शॉप है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सिविनियर हैं। माशाल्लाह। जी हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे आ चुके हैं, और यहाँ आते ही मैंने अभी आपको दिखाया कि काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के थाईलैंड के सीनियर्स बेचे जा रहे थे, और यहाँ पे टूरिस्ट का रश आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, बिल्कुल ही छोटा सा, और इस पे आप देखें कि टूरिस्ट का कितना रश है, लोग आ रहे हैं, जाने का कोई नाम नहीं ले रहा, सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत इतना प्यारा है ये, तो इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए अभी चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाता हूँ द मोस्ट, जिसकी वजह से ये मशहूर है जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से। तो सबसे पहले हम उस स्टोन को देखते हैं, ये जी जेम्स बॉन्ड स्टोन है, आपको नज़र आ रहा होगा।
ये आप देख सकते हैं जेम्स बॉन्ड स्टोन। चले आगे इसको नज़दीक से देखते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे, जेम्स बॉन्ड स्टोन पे हम आए हुए थे। चलें आपको जो सबसे यहाँ पे, जिसकी वजह से इसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड कहा जाता है, वो स्टोन आपको दिखाता हूँ। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको पहले बताई थी कि 1946 में जब यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी शूट हुई थी, वो इस रॉक के आस पास ही उसने अपना जो इसकी बोट थी उसको गवाया था, जिसके बाद से इस रॉक का नाम जेम्स बॉन्ड स्टोन के नाम से पड़ गया और साथ में इसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी कहते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, म्यूजिक वगैरह, तो इनको भी देखते हुए चलते हैं। हाँ तो जी व्यूअर्स, अभी चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अल्लाह की कुदरत यहाँ पे क्या दिखा रही है हमें। जी चलते चलते अब आ गए हैं, एक म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा है जैसे आज। एक देखिए कुछ अरबिक लोग बड़े ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को और साथ में डांस भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त बेहतरीन। चले जी थोड़ा सा मैं भी म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ। चले वही और डांस प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा सा चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से, कि ऊपर ये सीढ़ियां जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा आगे। देखते हैं कि ये सीढ़ियां हमें किस मंजिल पे पहुंचाती हैं। अरे ये तो हमें इंडिया ले आई लगता है सीढ़ियां, मैं समझा कहीं और है, ये तो इंडिया ले आई है। देखें सारे इंडियन भाई, ये गुजराती भाई, गुजराती कैसे हम लोग, ठीक है? नहीं नहीं बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ ये लगेगा, बढ़िया माल, बढ़िया बहुत सर। आज जोर दीवा दो। ओह टोबैको, आई जस्ट स्मोक। अरे तो चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ टूरिस्ट वापस जा रहे हैं, इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, और कुछ टूरिस्ट जो है ना अभी हमारी तरह जा रहे हैं आगे। तो ये देखिए जी सरदार भाई हाथ हिला रहे हैं वहीं से। सरदार भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो ये सीढ़ियां हमें कहाँ लाई? अरे ये तो हमें जेम्स बॉन्ड रॉक के बिल्कुल नज़दीक ले आई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, मैं चले हाथ के इशारे से इसको टच करता हूँ। ये देखिए ये जेम्स बॉन्ड रॉक है। चले थोड़ी और इसको आपकी खूबसूरती को वाजे क्लियर करते हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। चले अभी मेरे साथ सरदार भाई हैं, सरदार भाई से भी थोड़ी सी गपशप करते हैं।
सरदार भाई कैसा लगा आपको दूसरी बार जेम्सवर्थ आइलैंड आने का? जबरदस्त। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं थाईलैंड आने का, तो थाईलैंड में पुकेट, फिर पुकेट पे जेम्सवर्थ आइलैंड, और उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी इस वक्त जैसे हमने पताया वाली वीडियो में भी दिखाया था कि इंडियंस का काफ़ी रश है, और वाकई बिल्कुल जैसे नरेश भाई ने, हमारे जो टूरिस्ट गए थे, उन्होंने बताया कि इस वक्त पूरा इंडिया उमड़ा हुआ है, और वाकई ऐसे ही लग रहा है अब टूरिस्ट को देख के कि ज़्यादातर इंडियंस ही ज़्यादा आए हुए हैं, बाकी कंट्रीज़ के बहुत ही कम टूरिस्ट हैं, फॉरनर्स तो बहुत कम हैं, अलबत्ता इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्राउड है, डिसेंट क्राउड है इस वक्त। थोड़ा सा ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ये सीढ़ियाँ भी कहीं ऊपर जा रही हैं, ये भी जाके चेक करेंगे कि ये कहाँ जाती हैं, हमें पहुँचाती हैं। व्यूअर्स, एक और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, पसीने से शराबूर होने के बाद, जिस लोकेशन पे मैं पहुँचा हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस रॉक के ऊपर एक छोटा सा ये मंदिर बना हुआ है बुद्धा का, और ऊपर आपको अगर आप देख सकते हैं कैमरे की आंख आपको दिखा रही हो, तो ऊपर अच्छा खासा घना जंगल है। और अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा मूव करता हुआ दूसरी तरफ लाता हूँ, तो इस छोटे से प्लेस पे आप देखिए कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट खड़े हैं, और पीछे आपको जेम्सवर्थ रॉक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी आते हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में सामने देख रहे हैं, एक यूरोपियन फैमिली है बैठी हुई है, लोग फैमिलीज के साथ भी इंजॉय करने आते हैं। पॉकेट जो है वो फैमिलीज के लिए बेस्ट है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको किसी और इलाके का आपके फैमिलीज के साथ आएँ, मगर जो पॉकेट का एरिया है यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी जो है कोई किस तरह का लिबास पहनता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं, मगर फैमिलीज़ के साथ आप पुकेट आ सकते हैं। थाईलैंड के जो अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरियाज़ हैं उनमें पुकेट नंबर वन पे, मैं अपने जो काउंटिंग है उसमें नंबर वन दे रहा हूँ इसे। चलिए थोड़ा सा मुझे भी आना चाहिए वीडियो में, ऐसे नहीं कि सारे आप लोग सीन दिखा रहे। जी अब हम पहले सीढ़ियाँ चढ़े थे, अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, और उतरते उतरते हम कहाँ पहुँचते हैं ये देखना पड़ेगा। अपने से एक कैमरे का बोझ नहीं संभाला जाता, और दो डाके गले में लटकाए घूम रहे। जी हाँ, ये सामने जो बंदा जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये दो चार तीन दिन कैमरे उठाए हुए हैं, अपने से एक नहीं संभाला जाता, उसने चार चार उठा के मज़े से इस वेट के साथ भी घूम फिर रहा है। चले जी, सरदार मोहम्मद खान साहब भी नज़दीक नज़र आ गए हैं मुझे, और हस्ब मामूल अपनी फ़ोटोग्राफी में लगे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ और नए व्यूज़ दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, अभी हमारे जो राइडर थे बोट के इदरीस भाई, उन्होंने कहा कि भाई चलो टाइम पूरा हो गया है, ओनली 5 मिनट्स वी हैव, सो आई मस्ट हैव टू गो टू माई बोट, तो इस वजह से अब जाना पड़ेगा भाई, 5 मिनट का टाइम दिया है उसने, और 5 मिनट के अंदर अंदर वापस पहुंचना है। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, वापसी हो गई हमारी, अब चूंकि बोट में सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, तो अभी मैं बोट की तरफ चलता हूँ, और फिर वहाँ से आगे देखते हैं कि हमें किस आइलैंड पे लेके जाते हैं, तो आगे आपको दिखाता हूँ, तो बने रहिएगा, साथ रहिएगा। व्यूअर्स, कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया होगा, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जो कि इससे अगला आइलैंड होगा। तब तक के लिए फ़िलहाल अपने होस्ट अली बलोच को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।